आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट पुट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की वो n है तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट पोटेंशियल ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर वो कितनी होगी तब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो हमारा पीरियोडिक वेरिएशन होता है पीरियोडिक वेरिएशन इन द डीसी वोल्टेज ऑफ डीसी वोल्टेज तो उसको बोलते हैं हम रिपल फ्रीक्वेंसी। अब क्या हो? पूछा इन्होंने कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर हमारी इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है वो है एन तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा फ्रीक्वेंसी का कर्व बनता है अगर हमारी जो इनपुट वेव है वो ऐसे है ऐसे अगर ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है तो जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म बनेगी वो ऐसे बनेगी मीन्स डबल दी फ्रीक्वेंसी ये हमारी है आउटपुट वेव फॉर्म तो क्या होता है कि जो इन आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है ट्वाइस होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के इनपुट फ्रीक्वेंसी और ये कौन सा केस है फॉर दी फुल वेव रेक्टिफायर दिस इज़ फॉर फुल वेव रेक्टिफायर तो अब इन्होंने यही पूछा था कि फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दैट इज 2n तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मींस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर होसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर